सबसे ज्यादा जेपी को देख के खुशी बना। वेलकम टू वे एम लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइस अभी जो है हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं मामा के बर्थडे के लिए। मामा को बिल्कुल नहीं पता कि जो है वो तायरा आंटी आ रही हैं, वो क्योंकि आसिया आंटी का ही उनको होता है, उनको तायरा आंटी का होता नहीं है, तो वो तायरा आंटी आ रही हैं। ठीक है, तो जो है वो उनके लिए सरप्राइज़ होगा। अभी मैं आपको सारी सेटिंग दिखाती हूँ मैंने कैसे की है, ठीक है। फिर बाद में सेलिब्रेशन भी आपको दिखाऊँगी। ये देखें, ये सारा कुछ चेंज किया है, यहाँ पे देख लें, ठीक है। सारा ये ड्राइंग रूम चेक करें, ये देख लें, ये देखें, ये देखें, ये मैंने फ्लोटिंग कैंडल्स हैं, ठीक है, रोज़ेस में फूड कलर डाल के मैंने प्रिपेयर किया है। ये देखें, ये बर्थडे, ये देखें, ये जो पिक्चर है ये मामा बाबा और मेरी है, ठीक है, हम तीनों की मैंने लगाई है। ये देख लें, हैप्पी बर्थडे लगाया है। ये अभी सेटिंग की है, अभी जो है वो खाना रेडी हो रहा है, ठीक है। खाना जो रेडी हो रहा है उसके अंदर हमने कोफ्ते बनवाए हैं, और कोफ्ते अंडे, और साथ में पुलाव, ठीक है, और रायता सैलड वगैरह और कोक्स वगैरह मंगवाई हैं, ठीक है। तायरा आंटी आएंगी, मामा खुश हो जाएंगे, उनको तो बिल्कुल नहीं अंदाज़ा। वो बार बार पूछ रही हैं क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन तो उनको बार बार, मैंने कहा कोई भी नहीं आ रहा, तो मैंने कहा घर वाले ही हैं हम, तो कहते इतना क्यों करने की ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, बर्थडे तो सेलिब्रेट करनी होती है ना, अब उनको पता चलेगा जब वो आएंगी तो खुश होंगी, बड़ा एक्साइटेड हो जाएंगी, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए। तो गाइस आप लोग भी जो है वो बर्थडे विश कीजिएगा। उम्मीद है मैं ये व्लॉग जो है वो रात को ही लगा दूँगी, ठीक है। अगर रात को ना लगा तो कल लग जाएगा, तो आप लोग विश कीजिएगा, ठीक है, नीचे कमेंट्स कीजिएगा। और दूसरी बात, मैं आपको सारी सेलिब्रेशन जो हम करेंगे वो भी दिखाऊँगी, तायरा आंटी भी दिखाऊँगी, ठीक है, इन्जॉय करेंगे हम, ठीक है, साथ मिलके हमारे इन्जॉय कीजिएगा। टिल एंड तक व्लॉग देखिएगा, बहुत फन होने वाला है, तब तक के लिए वेट कीजिएगा। आ जा आ जा, बच्चा प्यारा छोटे बच्चों की खुशी नहीं होती। सबसे ज्यादा जेपी को देख के खुशी। बाबू बना ना आज, सैटरडे को भी ऐसे जाता है, संडे को, संडे को मेरे दोनों बच्चों को भी। हाँ जी, वो कोई गल नहीं, बाहूबली तो पता नहीं कहाँ गया हुआ है। वो तो चीते के साथ फिर के अंडरग्राउंड बंदा बन रहा है, सारा दिन उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। ये देखें, ये खाना बना है, ये मामा का खाना, और ये मामा है जो बर्थडे गर्ल है। मैं बर्थडे गर्ल हूँ। हाँ जी। अच्छा, ये चावल जो है ना बेटे, और ये बाजी है, ये मैं कैमरे के पीछे हूँ, डालो ना शादी। और जे भी नान लेने गया, और राजू भाई पता नहीं कहाँ है, आ जाएगा वो भी खैर से घर में। और ये जे भी आ गया। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। अच्छा पास आओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मैं आपको पहले खिलाऊंगा, मैंने तो खा लिया सारे माफ करा लाभ तो बच्चों वाले करके दफा गिफ्ट गाइस, बर्थडे वाली केक काट के हमें दे रही हैं, ठीक है, ये देख लें। साथ से मैंने अपने लिए भी रखना है ना। अच्छा अच्छा, बाकी सारे आपने रखना है। मैंने कौन वो खाना गुंडा में। और आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है मामा। मैं
मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, मुझे खुद ही पता है, क्योंकि जो बर्थडे गर्ल होती है ना उस दिन वो सबसे प्यारी होती है, जिसकी शादी होती है उस दिन सबसे प्यारी वो होती है, और जिस दिन बर्थडे होती है सबसे प्यारी बर्थडे गर्ल। बर्थडे गर्ल खुद ही से तारीफ कर रही हूँ, खुद ही मैंने अपनी तारीफें कर ली हैं। के खा लूँ जरा, फिर आपसे बात करते हो। आप लोग सबसे ज्यादा है, आप लोग भी खा ले, ये देखिए ये ले, आप लोग केक खा ले, हैव सम, ये खा ले। खोलो अनबॉक्सिंग, बड़े आपकी वो वाली चीज है, मतलब की जो आपको चाहिए थी। हाँ जो आपको चाहिए थी, जेबी को भी पता है, खोलो तो सही पता चलेगा। बैटरी नहीं है, बैटरी है मगर नॉर्मल नहीं है, इसमें कुछ फीचर है, खोलो तो सही। नहीं ये जो है ना, ये आपकी जब आप लगाते हो तो हैंड फ्री नहीं ना लग सकती, तो ये ब्लूटूथ वाली है, ये ऐसे करके तो कानों का लगा लो। कैसे करके इधर? हाँ नेक बैंड है, बैक साइड से नेक बैंड है, नेक बैंड। थैंक यू बच्चा, पहले भी इसने मुझे किया था तो मैं पता नहीं सुन। हाँ चार्जर भी यही देख लें। थैंक यू। देखिए गाइस मेरी जो है गिफ्ट अभी यूज होना शुरू हो गया है, मैंने डेमो दिखाया इनको क्या ऐसे होता है, मैं देख लूं बना कौन है, कौन बना है हमें बताएं, बताने लगी हूं ठहरो। अभी मैं देख, खुशखबरी दें, नोट करें, नोट करें, बताती हूं। चौधरी परवेज इलाही, अच्छा सही है। नानों की बर्थडे आज, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। और आज 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 हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी है, और मैंने सारे बर्तन मैंने सास आंटी को दिए। गुड। और नानों के लिए आप क्या कहोगी? नानू नानी प्लीज हैप्पी बर्थडे टू यू। और नानो अच्छी है? हाँ नानो अच्छी है। चलो फिर कह दो उनको, लव यू कह दो। आई लव यू मम्मी टू, बाय। और जेबी अब आप बताओ आप क्या कहते हो नानो के लिए, आज उनकी बर्थडे है। सबको वैसे तो पता है हाँ उनकी बर्थडे है, मेरी नाना जो हैं बहुत अच्छी हैं, हर रोज मुझे काफी कुछ उनसे से सीखने को मिलता है, और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और खुदावन ने उनको एक नया साल बख्शा। तो और मासो आप क्या कहते हैं, आज नानो की बर्थडे है? मैं यही कहूँगी कि ये दिन जो है ना वो मैं बड़ी देर से वेट कर रही होती हूँ, 8 महीने 9 महीने से मैं वेट कर रही होती हूँ, और सच्ची बात ये है कि मैं ना इसके लिए सेविंग्स भी अपनी रखती हूँ कि मैं इसको ना सेलिब्रेशन जितना मैं कर सकूँ उस तरीके से करूँ। तो जो है मैंने आप लोगों को जैसे डेकोरेशन भी दिखाई है, शाहजहाँ जी ने खाना बनाया है, जेबी नान लेके आया है, एक्साइटेड थे हम सारे ही बहुत ज़्यादा। तो ये दिन जो है ना बड़ा स्पेशल सा होता है, और इस दफ़ा जो है हम सारे घर वाले ही थे तो बड़ा मज़ा आया, और हेलिना ने जो है वो सारे बर्तन वगैरह उठाए, बस यही हमारी सेलिब्रेशन होती है। और साथ में जो है वो इनकी फ्रेंड ने आ रहा था लेकिन वो नहीं आ सकी किसी वजह से, तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने जो है वो केक बनवाया हुआ है। और मामा की बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग मदर है, केयरिंग मदर इन दैट सेंस कि वो हर तरीके से चाहती हैं कि मेरे बच्चों को अच्छी तरबियत मिले, अच्छे तरीके से वो समझे हर चीज़ को, और जो है मतलब कि फ्रेंड्स की तरह रहती हैं, बात को समझती हैं, बात को डांटती भी हैं, और जब डांटती हैं तो लगता है जैसे मार ही पड़ रही है, लेकिन जो है अब इतनी आदत हो गई है उनकी कि समझ आ जाती है हमें कि हमने कैसे काम को करना है। तो बहुत ही लविंग है, बहुत ही अच्छी है, और हमें ना ये जो है दिन का बड़ा वेट होता है कि कुछ ना अलग करना पड़ मिलेगा,
कुछ हम इंजॉय करेंगे, कुछ केक कटिंग करेंगे, मामा की खुशी देखने को मिलेगी। तो बस जो माँ बाप होते हैं उनकी खुशियाँ ही आप लोगों को भी जो है वो लेने की कोशिश करनी चाहिए, और हम भी यही करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू एंड लव यू मामा। और बाजी अब आप बताएं क्या मामा के लिए, अपनी पुप्पो के लिए आपके क्या आज की फीलिंग्स हैं उनकी बर्थडे वाले दिन? पुप्पो सबसे बहुत प्यार करती हैं हमें, उन्होंने बचपन में अपने हाथों में समझ ले पाला है, और बहुत लविंग पर्सन है, बस ज़रूरत है उनको समझने की। और कुछ? बस यही कहना चाहूँगी, थैंक यू। ओके गाइस, तो उम्मीद है आपको ये पार्टी अच्छी लगी होगी, सेलिब्रेशन अच्छी लगी होगी, हमारी एफर्ट्स अच्छी लगी होंगी, और जो है मेरा गिफ्ट आपने देखा होगा, और जो है हेलेना ने भी गिफ्ट दिया, जेबी ने भी गिफ्ट दिया, और शाहजादी ने खाना बनाया, गिफ्ट भी दिया, और हमने सेलिब्रेशन की। मामा बहुत ही खुश थी, ठीक है, और आप लोगों को उनकी लुक भी दिखाई है, ठीक है। तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी ये लुक लगी, और विश भी कीजिएगा उनको। और जो है आज बड़ा ड्राइंग रूम अच्छा अच्छा सा लग रहा था, नीट एंड क्लीन बिल्कुल, और जो है वो डेकोरेशन हुई हुई थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इसी के साथ जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया वो भी कर दें, और जो है अगले ब्लॉग में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।